से दिया ट्रक वाले ने हमारी वरना को पप्पी, और वरना अगर इस साइड भी जाती तो भी सही था, वरना गई का गाइस यहाँ से टक्कर लगते और ढलान तो है, गाड़ी गई नीचे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी के। तो ये देखो ये इधर से खत्म, गाड़ी इधर से खत्म है, पूरी गाड़ी खत्म है, ये वरना लिखा वो भी आंगा बांगा हो गया, हमारा पीछे का शीशा भी आधा आपको। ओ हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तेरी ऐसी तैसी, रुक जा, तूने स्नैपचैट में मेरे साथ स्लिक कैसे तोड़ दी तूने। अरे अब्दुल मियां देखो यू सेटलमेंट करा देता है। नो नो नो, यहाँ तो पार्टी शार्टी करेंगे करेंगे यार, जो तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी छोड़ेंगे। ये मोटे गैंग कहाँ से आ गई, हट तेरी ऐसे सी बेटे, तू भी बदमाश हो रहा अंकल है तो। अरे रे टप्पू टांग हटा दे यार, तू बिना रे दिख रही वो खूबसूरत कन्या मुझे, ये ओए नजारे मेनू जिंदगी दे ले लैंड दे। अरे फोटो फोटो खींच रहा हूं गाइस मैं ऊपर वाइनवुड हिल्स में, देख लो क्या मजा आ रहा है। ओ हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, चमक छन्नो चैन छ बेलिया रे रे रे, ये मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा हूं। भाई साहब मेरी टीचर ने नया डांस सिखाया, आप पता नहीं यार उनको कह रही थी ये मंकी कुछ डांस है, पर चलो कोई नहीं गाइस, अब ये डांस आपको बंदर जैसा लग रहा है या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, लाल बटन को तोड़ दो फोड़ दो, पर हमको चाहिए उसका कलर चेंज, तो गाइस उसका कलर चेंज कर दो रे बाबा। और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा जल्दी से कर लो, क्योंकि तबाही वाली चीज वहां भी तो आएगी ना मुन्ना भैया। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस, देखो ये डांस बंद कर देता हूं यार, पहले आप भी सोचते हो अरे क्या कर रहा है जिमी तू बावड़ा हो गया क्या। अरे रे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बावड़ा बोला नहीं हूं, मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा हूं रे। सारी बातें एक तरफ, और मैं यार तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ या नहीं हूँ, नहीं तुम पहले बता दो भाई, तुम चाहते क्या मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ या नहीं हूँ। पहली बार तुम सब्सक्राइब नहीं करते, दूसरी बार तुम इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, तीसरी बार तुम अपने दोस्तों को मेरी वीडियो नहीं दिखाते। नहीं भाई यार तुम्हें ऐसी गलत बात कर रहे हो, तुम ब्रो कोड तोड़ रहे हो मेरा। आप देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है, पर अभी वीडियो में आगे बढ़ते, ये खबरें तो मैं आपको दुख वाली अपनी बाद में देता रहूंगा। देखो अभी का सीन ये है, अब्दुल मियां जो है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में जो रहते हैं हमारे प्यारे अब्दुल मियां, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला यार जिमी ये सामान लाना है तो चलना मेरे साथ, ओमनी खड़ी है। मैं कहा यार अंकल जी, पर चलो कोई नहीं, अब आपको इतना तो पता अतिथि देव भव मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, उन्होंने तो सिखाया नहीं है, पर मैंने न्यूज में नहीं सॉरी नाटक में देखा है अतिथि देव भव, तो इसीलिए अब उनका काम तो करवाना पड़ेगा मुझे। और सीन कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था यार, स्विमिंग पूल गंदा हुआ था और पिताजी ने मेरे लट्ठे लट्ठे दो मारे। पहले तो ये जो मेरी पीछे जो टूई देख रहे हो ना यार, अभी तो ऐसी दिख रही होगी, पर यार ये ना मेरी शर्ट की तरह लाल लाल हो गई थी जो ये हो रखा है, अब क्यों इसके ऊपर पत्ते पत्ते गिर गए, और मेरी गलती थोड़ी है यार, पेड़ तो क्या करता है यार, सफाई मुझे करनी पड़ती है, पत्ते पत्ते गिर गए। देखो सारे पत्ते मैंने निकाल रखे, पर मैंने ये काम कर दिया। और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं अब्दुल मियां के पास, और अब्दुल मियां के पास उनका काम कुम करवाते हैं। और फिर तो मेरे को कुड़िया भी बुला रही है कॉलेज में, कह रही है ओ यू हैंडसम जिमी व्हाई आर यू नॉट कम, मैं कहा आऊंगा आऊंगा, क्यों दिक्कत ले रही हो, अभी आऊंगा। और आप तो शायद सोच रहे हो मैं टप्पू को भी यार अपने कॉलेज में घुमा ही लाऊं, तो ये देख रहे हो अरे यू ही बाइक लेके घूमा करे यार, मैं तो सोचा टप्पू वाली बाइक मिल जाती, पर टप्पू ने टप्पू था ही नहीं गाइस। मैं यार अब्दुल मियां ने कहा भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टप्पू अभी है ही नहीं, तो मैं अब्दुल मियां के साथ टप्पू को भी साथ में लेके जाता जब उनका काम कुम जो सामान वगैरह दिलाना है। पर लेट्स गो, पहले यहाँ से चलते ऐसे स्टंट कर दिया करूँ मैं, कोई सा बीच में मत आ जियो, क्या कह रहा हूँ बीच में मत आ जियो, तबाही कर दूँ आंटी, क्या कर दी गंदी शक्ल थोड़ी है मेरी। ओहो देखो क्यूट जिमी हूँ मैं यार, बताओ यार मैं क्यूट जिमी हूँ या नहीं हूँ, ये लोग कैसे मेरे को देख के ना चिल्लाने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, चिल्ला क्यों जाते हैं, ओह इनको लगता है ओह इतना हैंडसम, ओह पहले तो ये देखो मेरे घर के इधर जो ये लोग खड़े रहते हैं, खड़े हैं क्या नीचे आज इनका पक्का माँ कसम लठे लठते हुआ, खड़े नहीं है बेटा किसी मत अच्छे, नहीं तो ऐसे लट देता ना कभी जिंदगी में, खड़े रहते खड़े रहने लायक नहीं बचते। अरे तू किधर जा रही आंटी, बेटा तू भी ऐसी हो रही है, ओ अच्छा दिखा रही है क्या, मैं दौड़ करके आई हूँ, चल दौड़ ले हमने क्या, ओए कुड़िये अरे मजाक कर रहा हूँ आंटी, तू तो सही में डर गई यार, ये तो कॉफी पी लिया अकेले के लिए, कॉफी नहीं बीड़ी पी रही है, डर गई, ओह इधर आ तू बेटी तेरी ऐसी तैसी, रुक जा, तूने स्नैपचैट में मेरे साथ स्लिक कैसे तोड़ दी, तूने मेरे साथ स्नैपचैट में स्लिक कैसे तोड़ दी, ये भाई मेरे को स्नैपचैट में स्लिक नहीं भेजती, इसकी ऐसी तैसी भेजेगी आगे से, आगे से नहीं भेजी ना बेटा, रुक जा तो मैं तेरे साथ मैं ही तोड़ता हूँ, चल भाग यहाँ से, ऐसे देऊंगा कति स्पाइडरमैन जैसे सीधा गाड़ी में भीतर मारूंगा, इधर आ, अरे कहाँ भाग रही, अरे रुक जा मैं एक बार तेरी गाड़ी में मारना इसे, तेरी ऐसी तैसी, अगर मेरे साथ स्लिक तोड़ी ना तूने, जो मेरे साथ
स्नैपचैट पे स्विच तोड़ता है, उसके साथ यही करता हूँ। दूजा सोनी मच्छर तीजा रूप तेरा चमचम करदा नी, ओ ये ओनो तेरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती होगी, मैं गिर जा रहे। नहीं मैं मुझे छुपा लेता, कोई देख लेगा मुझे, मेरी माता जी को बता देगा तेरे लड़के को गाड़ी चलाने नहीं आती, सॉरी बाइक चलाने नहीं आती, भगलो भैया भगलो। तो लेट्स गो गाइस, चाचा जी लेट्स गो हो गया। मैं निकलता हूँ सीधा अब्दुल मियाँ के घर पे, सॉरी गोकुलधाम सोसाइटी पे, और फिर आपसे मिलता है। मेरे को कुछ नहीं, बस हल्की सी घुटने में लगी है, ज्यादा लग गई है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो लेट्स गो। तो गाइस अब्दुल मियाँ को मैंने बिठा लिया, और अब्दुल मियाँ कैसे हुआ? अरे मजे में हो। तो सीन कुछ ऐसा गाइस, देखो पहले आप ये सोच रहे होंगे आप सब क्या कौन सा सामान लाना अब्दुल मियाँ को, ये क्या सीन है। अब मैं आपको बता दूं, देखो अब्दुल मियाँ की दुकान दुकान तो हमने सेट करवा दिया, अब इसके अंदर सामान हमें चाहिए, क्योंकि अब्दुल मियाँ ये चाहते हैं जितनी जल्दी भाई ये मेंबर मुंबर सारे आने वाले गोकुलधाम सोसाइटी के, तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी जो शॉप है इनको अच्छी तरह जितने भी अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, जो जो सामान की कमी है, अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आज हम लेने जा रहे हैं, और कुछ नहीं लेंगे, आज हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे गाइस। अब देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए मैंने एक बंदे से बातचीत करी, उसने कहा ठीक है भाई साहब, मैं ना एक काम मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रकें लूटता हूँ, तो उस वजह से तेको सस्ती में दिलवा दूंगा मैं। अच्छा भाई तू ट्रकें लूटता है? अब्दुल मियाँ कहते हैं हम गलत काम नहीं करेंगे जी भी, इससे पहले हम एक्स्ट्रा पैसे देकर ले लेंगे बेसक। मैंने कहा अब्दुल मियाँ गलत काम तो उस बंदे ने किया है, अब्दुल मियाँ सही कह रहे हो ना, उसने ट्रक में से सामान निकाला, चोरी उसने करी, हम तो बस सामान खरीद रहे हैं पैसे देके, कुछ गलत बात नहीं है। और क्या हो गया इतना नहीं देखा करते अब्दुल मियाँ, चिल मारना बिड़ू। तो लेट्स गो गाइस, जा रहे हैं हम सीधा वो सामान लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। अरे यू ही सेटलमेंट करा देता हूँ मैं हर जगह, देख लो गाइस अब आप भी सेटलमेंट करा दो जल्दी जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। और रही बात टप्पू की, तो मैंने पूछा यार टप्पू है कहाँ, तो अंकल जी ने बोला कि टप्पू गए अपने पिताजी के साथ, बोले तो जेठालाल अंकल जी के साथ। और मैंने ये भी पूछा फिर दया आंटी कब आएगी, चाचा जी कब आएंगे, तो इन्होंने कहा कि यार मैंने जेठा अंकल से बात तो करी, वो कह रहे कि सारे जल्दी जल्दी आने वाले हैं, पर कल या परसों या तरसों में एक बंदा तो आने वाला है, मतलब नई फैमिली आने वाली है गाइस गोकुलधाम में। अरे अब दुनिया में स्टंट कर रहा हूं, तो लेट्स गो गाइस लेके चलते हैं इन्हें इनकी कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए। अरे अब्दुल मियाँ देखो यू सेटलमेंट करा देता है यार, जिमी यू ही थोड़ी जिमी को सब यू कह गए कि जिमी तू जेंटलमैन है। तो गाइस अब्दुल मियाँ का सारा सेटलमेंट करा दिया, एक दो सामान और लेने थे, अब वो सीन कह रहे हैं। मैंने कहा अब्दुल मियाँ देखो अभी ये मिल गया ना अच्छे खासे रेट पे, तो इन्होंने कह दिया हाँ भाई ये तो ठीक है पहले यही कर लेते हैं। तो हमने ये सामान जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सामान लेना था वही हमने लिया है गाइस फिलहाल। तो अब देख सकते हो भाई साहब कितनी पेटियां बिछवा दी, इसमें अलग अलग है यार, ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक में एक ही वाली है यार, पेप्सी कोक और कौन कौन सी बताऊंगा, ड्यू लिमका स्प्राइट सब कुछ हमारे पास। और बता दो किसी को चाहिए होगी, बता दो किसी के घर पे डिलीवरी करनी होगी तो कमेंट कर दो भी भिजवा दूंगा। ओए भाई जो अब जो वैन है ना गाइस ओमनी, इसका वेट अलग से ही हो चुका है, देखो भगाने में भी जुर जुर कर रही है, देखो आवाज ये देखो अलग ही करती है। तो क्या ही बोले भाई, ओमनी जो ओमनी है ना भाई इसको लाजवाब, अभी देखो अभी भी इसमें दम इतना है कि अगर इसको बोले ना भाई साहब पहाड़ पे चढ़ना है तो ये देखो कैसे चढ़ेगी, तो इसके टायर और हमने पावर ऐसी दे दी ना इस गाड़ी को, देखो यूं जाएगी यूं उड़न छू वो छू जो करिए गाड़ी, तो वैसे की लैम्बोर्गिनी और लैम्बोर्गिनी रोड सिंपल रोड पे चढ़ती है, देखो कोई दिक्कत है ही नहीं यार, कम तो कैसे दिक्कत वाला काम ही नहीं करते। तो चलो गाइस फटाफट इसको छोड़ते हैं हम कहाँ पे, गोकुलधाम, और टप्पू भी आ गया होगा तो मिलवाते हैं आपको टप्पू से, पूछूंगा अरे सब कब आएंगे, खासकर सोनू वगैरह कब आ रही है, लेट्स गो। ठीक है अब्दुल मियाँ हम तो चले, तो गाइस इनको सारा सामान वगैरह दे दिया, क्या क्या सीन है। और देखो टप्पू हमारे साथ पूरा चिल कर ले ला, अरे बाबा। और टप्पू को मैंने बोला चल तेरे को घुमा के लो, कह रहा मेरी बुलेट लेके चलेंगे, मैं कहा भाई पागल वागल है क्या, बुलेट बड़ी तेल पीती है, देख लो गाइस ये खड़ी हुई है। तो इसने कहा यार लेके चलते हैं ना, मैंने कहा देख बाद में लेके चलेंगे, अभी मैं ये लेके आया हूँ, फिर इसको कौन लेके जाएगा, इसलिए फिर मैंने समझाया, बाकी दिक्कत तो नहीं थी, तेल उसमें वैसे है पर मेन सीन ये है ना गाइस यार इसको कैसे लेके जाऊंगा, ये भी तो देनी पड़ेगी कॉलेज में, देनी है मुझे ये, वो ये क्योंकि कॉलेज में मेरी एक जेन्युइन गाड़ी खड़ी है जिसको टप्पू में टप्पू को मैं तो उसमें घुमा चुका हूँ, पर टप्पू कह रहा यार कहीं पहाड़ों में चलते ना, मैंने कहा चल तू यार तू नेटी और कुछ कुछ वाली बातें ना कर, मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेठा अंकल ने मुझे ये कहा गाइस कि यार टप्पू ना लोनली लोनली हो रहा है, अब टप्पू लोनली लोनली हो रहा था, तो मैं कहा यार चल कोई नहीं तेरा लोनलीपन दूर करा जाए, तो सैम और ओली से भी मिलवाएंगे, जिग्गू से भी मिलवाएंगे, और साथ ही साथ थोड़ा घुमा भी लाएंगे। और पहले तो सबसे पहले मैं इसे लेके जा रहा हूँ अपने कॉलेज में, ओ ये। और अब्दुल मियाँ की बदमाशी तो आपने देख ली भाई साहब, गाड़ी कैसे चलाते हैं और साथ ही साथ कोई फालतू बोले तो उसको ठोकते कैसे, और क्या अलग बाइक वाले, अरे हमारे साथ रहेगा ना टप्पू तू अति मौज में रहेगा, अरे ऐसी मौज में नहीं दूसरी वाली मौज में मियाँ, अरे रे उठ कुछ नहीं हुआ रे, अरे इतना तो लगता रहता है मैं रोज गिरता हूँ रे कुछ नहीं होता यार,
तेरी हड्डी मजबूत करा दूंगा, बोन मीटर था दूध पिलाऊंगा तेरे को साथ ही साथ। तो चलो गाइस लेट्स गो, सीधा चलते हैं कॉलेज में। अरे ऐसी मौज करा दूंगा टप्पू, ये तूने गोकुल धाम में भी नहीं करा होगा। अरे ये सोच रहा होगा भाई कहां गया यार, इससे तो मैं वहीं ठीक था। अरे टप्पू कुछ नहीं होता, जा बैठ यार, चिल बाबा चिल। चिल करने का रहे अपन को, चिल कराऊंगा तेरी। अरे रे क्यों दिक्कत लेता है वो टप्पू, गेड़ी मरवाऊं क्या एक तेरी, आ जा इधर गेड़ी मरवाते तेरे को। तो देख सकते हो भाई घर तो बड़ा प्यारा लग रहा है, देख तो सही अंदर क्या है। ओ ये आओ, ओ नो 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 नो, यहां तो पार्टी साटी करेंगे करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट, तेरी मेरी जोड़ी सोनिए लॉन्ग ड्राइव पे चल। अरे कत्ती भीड़ लग रही है, अरे यहां लड़कियां रहती होगी। लेट्स गो, सॉरी 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 गाइस इट्स माय मिस्टेक, ओहो गलत घर आ गया मैं तो। और भाई क्या बना रहा है, हमारे लिए भी बना दे कुछ। ऐ भाई टप्पू एक चीज दिखाऊंगा तेरे को, अब देखना अब देखना अब देखना टप्पू, ये देख हमको कुछ नहीं दे रहा ना खाने को, कत्ती था भाई। अरे डर तू रहा कुछ ना होता। ओ भाई देख रहा है ऐसी बैक मरवा, तो ऐसी बैक मारेगा। अरे कुछ ना हो भाई साहब, ये बंदा अलग ही है, अड्डल है ना हड्डी में तो लगी। अरे क्या ही बोलना उसे, अरे भाई किस जा रहा है। अरे चलो कॉमेडी तो होती रहेगी, चलो लेट्स गो हम चलते हैं गाइस। वो जट गैंग नहीं बनाऊंगा, गैंग रन कर दे ठीक है टप्पू, तेरा भी ऐसे यार, तूने भी गैंग बना रखी अपनी है। चलो बढ़िया है बढ़िया है, ये देख भाई टप्पू यू है मेरा जेन्युइन कॉलेज, तूने देखा तो है वैसे ही, पर फिर भी अभी देख ऐसे वाला मस्त वाला कॉलेज है, इसको इतना नहीं घुमाया था मैंने गाइस। आ जा, अरे हटा ले भाई गाड़ी यहां, यार टप्पू अपना ही चलता है यार, जा कोई फालतू नहीं बोलता है मेरे से, हटा ले ना सुनाई नहीं देती ये बनाऊंगा तने। ओ इधर आ इधर आइए, ये बना दूंगा डोन भग जाते बेटा, अपनी गाड़ी ठोकते रहियो। ओह हसीना थी, अरे डर क्यों रही हो गर्ल्स, आई एम हियर ना, चला जा तब घुमा कर लाऊंगा, अंदर ही मेरे मित्र बैठे होंगे। आ जा आ जा, तू क्यों कर रहा भाई, अकड़ेगा ना तो ठीक है, यही बक्कल तार दूंगा भाग जा से। चल 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 चल, देख रहा है यार अपना हर जगह टोरा है सारे बदमाश। अरे अपन तो यूं यार बदमाशी नहीं करता मैं, ये तो बस यार मेरा नाम और इज्जत है, तो ये मेरे को देख डर जाते। और क्या हाल छोटे निकर पहन के आया कति, अरे सोने की चेन ले रहा भाई तू, कोई तो नहीं है बदमाशी रोहित बदमाश, तू ये क्या सोने की चेन लेके घूम रहा बेटा, बदमाशी काट दूंगा। चल 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 गोली हो जा गोली, अरे जाने सुनाई नहीं देती के, चल सुर भग जा, तितर तितर ओले तितर, ऐसे भगा दिया करूं मैं। चल अरे पुलिस की होगी, अरे क्या हो गया सर जी, क्यों दिक्कत ले रहे हो हमारे, क्या एक टप्पू सीधी सी बात अपनी हर जगह चलती है। अरे पुलिस अंकल है क्या हो गया, सुरोड़े कर रहे हो। अरे 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 भाई तेरी ऐसी तैसी, ये मोटे गैंग कहां से आ गई, हट तेरी ऐसी तैसी, बेटे तू भी बदमाश हो रहा अंकल, मेरे टप्पू का कुछ कर दिया। अरे 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 मारा ये तेरी भैंस की टैटे मोटे, इधर आ तू, तेरी तेरा भी तरबूज नहीं बनाया ना। अरे कति गोलगप्पा हो रहा है ये ले, हैं वो भाई, ओ टप्पू को कैसे उड़ा रहा तू बदमाशी, अरे छोरी बदमाशी टप्पू को उड़ा रही, रुक तेरी भैंस की आग होगी लड़की अपने घर में, तू टप्पू को कैसे उड़ा रही भाई है मेरा, ऐसे पुलिस की गाड़ी में देकर मारूंगा। अरे और कौन सा बदमाश आ गया तेरी भूतनी के, ये ले अरे इतना इतना भटूरा जैसा बन रहा। अरे अरे टप्पू देख यार, पर हर जगह दंगे तो होते ही रहते हैं, कोई नहीं इनका बता इनकी बता, अरे तेरी ऐसे थी, अरे हमने मारेगा के ये ले, हैं इधर आ तू, अरे रहने दे अंकल रहने दे, आ जा टप्पू अंदर आ पुलिस वाले देख लेंगे, ये तो ज्यादा हो गया, इतना नहीं सोचा था मैंने, खून खराब हो गया। अरे टप्पू इतना नहीं देखा करते, देख अब गैंगस्टर लाइफ है यार मेरी, क्या बोलूं। अरे ओ तुम्हारी भैंस की टैट, तुम नहीं मानो तुम्हारा टंटनाटन, तुम्हारी भैंस की टंटनाटन साइड में होली है अब। अरे एक बार दोगी, एक बार दो बार कत्ती फायरिंग मार रहे हो, हल्के में ले रहे हो यार। अरे टप्पू कुछ नहीं, वो ट्रू ट्रू वाली बंदूक होती है वो यूज करी है मैंने यार, इधर ये बंदे चला इनको ज्यादा बदमाशी देख ली, टप्पू भी सोच रहा हो अरे रे खा गया मैं भाई, यहाँ तो ऐसे ही चलता, अब अपने इलाका तो ऐसा ही है। चलो गाइस थोड़े कपड़े कुपड़े साफ कर लूं मैं, नहीं तो सैम और ओली पड़ जाएगी। ओ जिमी क्या हुआ, ये तेरे को कैसे लग गई, इसलिए यार मैं चाहता नहीं ना वो, इसीलिए इसीलिए। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजा तो आया मेरे को। अरे यार यार पता नहीं गुंडागर्दी रोज की, पुलिस वाले पीछे पड़े हुए थे उनकी, कते गैंग बना के घूम रहे बदमाशी। लेट्स गो गाइस, मैं कह यार सारे ही सनरूफ के दीवाने हो रहे हैं गाइस, तो देख सकते हो कि सीन क्या हो रहा है। रे बाबा मैं गाड़ी में बैठ जाऊं पहले, अरे रे 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 सीन कुछ ऐसा है ना गाइस, अब ये देखो टप्पू चढ़ गया सनरूफ में, आज हमारी मोहतरमा जी नीचे रहेगी तो। अरे रे रे टप्पू टांग हटा दे यार, तू बिना रे दिख नहीं रही वो खूबसूरत कन्या मुझे, ये रीना यार।
टप्पू का मन करा गाइस कि भाई देख यार कहीं पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मैं कहा ठीक है चल लेगा भाई, तू दिक्कत ले रहा है। तो सनरूफ को कह रहा मुझे तो वहीं पे ही आएगा। और रही बात जिग्गू का है और सैम भी है इस गाड़ी में, मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो ये हमारी अरे ओली दिख रही, ये टप्पू और ये पीछे सैम बैठी हुई है। अब सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे थोड़े पहाड़ों के ऊपर वाइनवुड वाले इलाके में, ठीक है इतना हमने सोचा, पर आ गया हमारे जिग्गू पहलवान का फोन। और हमारे जिग्गू पहलवान क्या कह रहे हैं गाइस वो मैं आपको बता रहा हूं। अटाले बदमाशी, अरे तू क्यों खोल रही, थूक आ रहा है क्या? थूकने के लिए गुटखा खा रही थी क्या? थूकने के लिए गेट खोल दिया, देख फिर थूक दिया। अरे मजाक मत कर, गेट टूट जाएगा, बड़ा महंगा पड़ता है। वैसी नजर लग रही हमारी गाड़ी को, हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसमें, पर अब इसे में कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल रात दुलारी इंश्योरेंस से निकल गई है। अब सीन कुछ ऐसा है ना कि जिग्गू है बारा भाई सैंडी सोर्स, कह रहा भाई मैं ऑलरेडी सैंडी सोर्स हूँ। अरे बदमाशी भाई, सही में मैंने क्या कहा, इसके समझ ही फुद्दू है, पर बच गया अपन कैसे ना कैसे। तो निकल रहे हैं अपन सैंडी सोर्स के लिए, पहले जिग्गू से मिलेंगे। और जिग्गू ने यही कहा कि भाई यार ऐसा है वहीं चिल कर लेंगे, कोई दिक्कत विक्कत की बात है नहीं। पर यार मैं भी यही सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ का क्या, दो ऑप्शन है हमारे पास, या फिर सैंडी सोर्स चल जाए या वाइनवुड हिल्स। अब जिग्गू आने में वाइनवुड हिल्स में वैसे टाइम तो लगेगा ही, पर लेट्स सी। हाँ यार वाइनवुड हिल्स ही चलते हैं गाइस, हम जिग्गू आ ही जाएगा अपने आप ही, वहीं अपन एंजॉय कर लेंगे, क्या करेंगे यार सैंडी सोर्स जाके, इसलिए चलो वाइनवुड हिल्स पे चलते हैं और वहीं एंजॉय करते हैं। सो फाइनली गाइस वी आर इन आवर पहाड़ वाले इलाके में पहुंच चुके हैं हम। और क्या रहा भाई साहब, क्या मजा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा। और निकल रहे गाइस अपन चिल करने के लिए यही, इसी रोड से ऊपर चढ़ना अपन को वाइनवुड के लिए। ये देख लो ये रोड थोड़ा ऐसा कच्चा पचका सा है, यहाँ मिट्टी मुट्टी पड़ी है। और ये तो अलग ही मजा ले रहा टप्पू तो, और पीछे से सैम भी बोल रही भूख लग रही यार। मैं कहा भाई अभी कहीं नहीं, अभी यहाँ पे एंजॉय करेंगे, थोड़ा फिर निकलेंगे, देखते हैं खाने पीने का क्या करने का है। और ये देख लो अपन तो मस्त जा रहे हो, आज फोटो खींचने का मन कर रहा, आज तो फोटो खींचूंगा। और ये देख लो गाइस हमारी वरना कैसे जा रही है ऊपर, भाई साहब इतनी प्यारी लग रही, नजर ना लग जा हमारी गाड़ी को। और चढ़ाई पे हम चढ़ी रहे वाइनवुड हिल्स, जा रहे ज्यादा दूर नहीं जा रहे भाई हम, ओहो क्योंकि वाइनवुड हिल से ना पूरा लॉस सैंटोस आपको दिख जाएगा। ले जाने को मैं यहाँ से भी ले जाऊँ, पर मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले इलाके से ले जाता हूँ, क्यों ऑफ रोडिंग सी करनी। ये देख रहे हो वरना ले आएंगे, लेके यहाँ रखे हम तो है बदमाश। तो फाइनली हम पहुंच चुके पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, तुम्हारा टप्पू वरना लेके आया यार, काली काली गाड़ी, इसका मुंह है बड़ा प्यारा सा, सिर पे टोपी तो नहीं है पर इसके गाल मोटे से है। पर ये देखो गाइस ले टप्पू, तू भी बोल लगा, अरे भाई ऐसा तो मैं कभी गोकुल धाम में भी नहीं गया, ये देख रहे वरना तो बदमाश वाली गाड़ी है अपनी, बदमाशों की गाड़ी है, काला शीशे और करवा रखे हमने। अरे हम ड्रैगे, ये देखो गाइस ये वाला जो सुख है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखो लोग आते रहते हैं यहाँ पे, और सीन है ना यहाँ से पूरा लॉस सैंटोस जो दिखता है, हाय 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 हाय। ये देखो लोग अपने एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, भाई साहब बदमाशी की गाड़ी आई, खींच के ले जाऊंगा गाड़ी तुम्हारी, नहीं मान रहे, अपनी गाड़ी हटा लो कह रहा हूँ मैं यार। आप तुम अपनी गाड़ी नहीं हटाओगे, हमें भी तो अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, मुझे इतना तो करना पड़ेगा ना यार, ये मानते नहीं है टप्पू यार, पर तू मत कर ये चीज़ें, हमारा थोड़ा चलता है इसलिए। लेट्स गो, अब अपनी गाड़ी लगा देते हैं गाइस, वहाँ फोटो फोटो खींचेंगे। तो गाइस यहाँ पे टप्पू वगैरह ने फोटो खींच लिया और जिग्गू ना अब आया, और जिग्गू के एक करतूत बताऊ मैं आपको, आप भी बोलोगे भाई साहब ये जिग्गू है गंदा आदमी, इसकी शक्ल तो गंदी थी, इसके काम भी गंदे। अब काम इसने ऐसा क्या करा मैं आपको वो बता देता हूँ। भाई साहब पीछा गए पेप्सी पुप्सी नहीं पीछा ना, जूस पीछा, ये वो पीछा गया समझ लो, पता नहीं किसके साथ दारू दूर पी के आया भाई, किसकी शक्ल देख लो, आंखें खुल नहीं रही है भाई, ओ बदमाश, ये देखो आंखें खुल नहीं रही है, कैसा भैया झूला झूल रहा, जैसे कि ऐसा हो रहा है इधर मेरे पास, चला जाने लगा गाइस, देखो ये कैसा चल रहा है, इस आदमी का क्या करूं, टप्पू का आगे मेरी इज्जत थी डुबा दी ससुरे ने। अरे रे रे रे, कुछ बोल भी तो नहीं सकते इसे, क्या बोलूं मैं इस बंदे को, आदमी है पिशाच है, कुछ कह भी तो नहीं सकते। अरे तेरी ऐसी, पर चल कोई दिक्कत नहीं, अब क्या बोलो, अभी कुछ कह भी तो नहीं सकते यार, मन तो कर रहा ना इसका ना लठे लठे मारूं, पर क्या करूं बेचारा प्यार भी तो करता मुझसे। और लड़कियां कहां, आप ये पूछ रहे हो लड़कियां ऊपर चढ़ी है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, फोटो फोटो खींचने के लिए बुला रही है, मैं कहां भी आया यार, बेशरम तो बेशरम ही होते है, चल भाग जा, चल मेरे से दूर हो ले बेटा, तू वैसी बदबू आ रही तेरे में से इतनी गंदी, मन तो कर रहा डाख दीदा गाड़ी के डिग्गी के अंदर, यहाँ यहाँ डालू इसे, देखो गाइस इसको पकड़ के, इसकी भैंस की इसने दुखी कर दिया मेरे को, हर बार पता नहीं किसके किसके साथ रह रहा है, कॉलेज में ना इसे बदमाश मिल गया दो तीन, उनके साथ घूम घूम के ना इसने ऐसे काम चालू कर दिया। बेटा आगे जो तूने ऐसे काम करे, इस बार तो तुझे माफ कर रहा हूँ, आगे जो तूने ऐसे काम करे देख रहा, वो खोल के इसी के भीतर मार दूंगा,
बदतमीज आदमी तो जिग्गू जैसा है, इससे ज्यादा तो बदतमीज आदमी मैंने देखा नहीं जिंदगी में। तो हमें तो चढ़ना राज ऊपर, वो ऊपर बोल रही है जैसे मैंने आपको बताया। तो चलो यार, हम तो ठहरे परदेसी, ऊपर चढ़ जाएंगे। और मैंने टप्पू को भी बोला, टप्पू कह रहा ना भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं, तू नहीं चढ़ रहा, हम चढ़ जाएंगे। ये देख लो गाइस, वैसे ये इलीगल सा तो है यहाँ पे चढ़ना, पर यार बंदे आते खिंचवाते रहते हैं। ये देखो ना, ये दो सुपरमैन भी, हाँ सुपरमैन नहीं सॉरी सुपर गर्ल भी चढ़ी है। देखो चढ़ी भी कहाँ है, और ओहो यहाँ से जो नज़ारे देखते हैं वाइनवुड हिल से। किसी दिन बारिश हुई हो ना, उस बारिश होने के बाद के जो नज़ारे यहाँ से होते हैं ना गाइस, अलग ही नज़ारे होते हैं। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी मन को शांति देने के लिए। ओ ये क्या हाल है, और क्या चल रहा है, फोटो खींच ले। मैं सोचता यार फोटो खींच लेते आ रखे है, तू क्या सोच रही, तू भी सोच रही कि फोटो खींच लेते। अरे रे ले खींच लेंगे यार, क्या बातें कर रही है। ओहो अच्छा हम तो, अरे रे एक और कन्या है हमारे बीच में, मैं तो भूल ही गया था, अभी इसकी भी खींच लेते यार, फिर चढ़ जाएगी। अरे मेरी फोटो नहीं खींचते तुम ये सब वो सब। ओ येलो देखो देखो भाई, मजाक नहीं कर रहा, कभी कभी बोलता जी मैं फोटो के लिए, ये ले मैं गर्दन मोड़ लूंगा। अरे तेरे मुंह टोपी आ जाएगी। ओह तू भी टेडी कर रही है, अरे ऊपर कर ले, ओ गर्दन ऊपर कर ले, हाँ बस ऐसे बिल्कुल। अरे तेरी भैंस की टेस्ट, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऊपर से कैसे गिर गया। अरे रे कोई नहीं दोबारा चलते, ये क्या हुआ गाइस, मुझे तो रत्ती भर का समझ नहीं आया, पर ऊपर से पट करके जो गिरा हूं ना मैं। अरे देवा रे देवा, चलो चलो चलो, पैर फिसला, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लगा हाथों में करंट और टांग एकदम से फिसल गई गाइस मेरी। अरे रे कोई नहीं गाइस, वी टेक वन वन फोटो, ओके लेट्स गो गाइस, खींचते एक और फोटो खींच देंगे भाई साहब। ये वाली तो बिल्कुल एक नंबर की जेन्युइन फोटो आई है, पर ये वाली तो और जेन्युइन लेके आएंगे। देखो भाई नज़ारे देख रहे हो तुम, नज़ारे मैनू जिंदगी दे, लै लैण दे, लै लैण दे, लै लैण दे, नज़ारे मैनू जिंदगी दे, लै लैण दे, लै लैण दे, लै लैण दे, ओए नज़ारे मैनू जिंदगी दे, लै लैण दे। अरे फोटो फोटो खींच रहा हूं गाइस मैं ऊपर वाइनवुड हिल्स में, देख लो क्या मजा आ रहा है, एक नंबर का। ओ ये अरे फोन किसका आ रहा है, ये फोन उठा के आता हूँ मैं यार। अरे रे पागल वागल हो गया जो उसे यूं भेज दिया तुमने गाड़ी लेके, यार तुम्हारा भी क्या बोलूं मैं यार, हद कर रखी तुमने तो। गाइस अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या सीन हो गया, मैं क्यों इतना गुस्से में हो रहा हूँ, अब सीन मैं आपको बताता हूँ। देखो उससे मैं हूँ और होना भी चाहिए मुझे। जिग्गू ने पी रखी थी दारू, और दारू तो पी ली, चलो वो कोई बात नहीं भाई साहब, वो करके आ गया जो हो गया वो ले गया भाई। देखो टप्पू को अपने साथ, क्योंकि टप्पू का फोन आया होगा भाई जेठा अंकल का कि भाई आजा गोकुल धाम में काम है, तो उसको जाना था। और मुझे ये बताया नहीं है सीधा क्या करा जिग्गू भाई साहब, कह रहा मैं छोड़ के आऊँगा, मैं छोड़ के आऊँगा, और मुझे इस चीज़ के बारे में रत्ती भर नहीं पता, और गाड़ी लेके चले गया। और इतना ही नहीं चले गया भाई साहब ने गाड़ी ठोक दी है, कहीं इनके पास फ़ोन आया, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं आया क्योंकि मैं बिजी था। अब ये नहीं पता टप्पू साथ में था या नहीं था, क्योंकि जेठा अंकल भी फ़ोन नहीं उठा रहे ना टप्पू फ़ोन उठा रहा है। अब अब्दुल को मैं, अब्दुल मियाँ को मैंने फ़ोन करा, अब्दुल मियाँ कह रहे भाई साहब मैं बताता हूँ एक बार देखे कि टप्पू है या यहाँ पे नहीं है, इतनी भसड़ हो रही है ना कार है हमारे पास, जिस लोकेशन में हमें जाना गाड़ी ठुकी है, क्या सीन है क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ए भाई साहब तुम ना फोटो खिंचा लो, कति पोज मार के ऊपर चढ़ी हुई थी ना, अब क्या बोलूं मैं इन्हें भी यार, पीछे से निकल गया, गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी थी, ले गया, तितर हो गए ये जिग्गू की ना, ऐसे ही करने वाला हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा विश्वास पे। भाई साहब ने दुखी कर दिया, अब क्या कितनी चोट लगी है क्या हुआ है, गाड़ी को तो छोड़ो देखा जाएगा भाड़ में, टप्पू साथ में जिग्गू भी, और ऊपर से कर रखा उसने काम भी ऐसा। पर चलो कोई नहीं, मैंने एक बंदा बुलाया था गाड़ी लेके, और निकल रहे फिर हम यहाँ से। तो गाइस गाड़ी अपनी आ चुकी है, अब आप सोचोगे गाड़ी लेके कौन आया, भाई जिससे मैंने बात करी थी उसने अपने ड्राइवर के साथ साथ दो गाड़ी भेज दी, अब ड्राइवर चलेगा दोबारा दूसरी गाड़ी, मोरिये वाली गाड़ी हमें दे दी गई है भाई, शुक्र करो भाई साहब गाड़ी तो आई। और निकल रहे हम सीधा लोकेशन पे, अब इनको पता लोकेशन के बारे में भाई, चलो भाई अभी लोकेशन, वैसे सीन तो इन्होंने यही बोला है भाई साहब आगे जो कट है ना गाइस उस साइड हुआ है, अब गोकुल धाम वाले कट की साइड ये हुआ है। अबे यार दिमाग खराब, दिमाग की ऐसी तो वैसी हो गई है। चलो भाई फटाफट निकल रहे हैं हम, ये गाड़ी करे भाई नई गाड़ी है, इसी पीछे ना कर दूं मैं किसी और की गाड़ी को। ये जिग्गू कितना समझा लो भाई साहब, आदमी ऐसा ये मानने तो जा रहा है, हट जा भाई हट जा, क्यों छाती पे चढ़ने को हो रहा, ये गाड़ी भैंस की रुकती भी तो नहीं, नई गाड़ी ऐसी ऐसी आ रखी है, कौन सी गाड़ी है टोरस टोरस तो कौन सी गाड़ी है भाई साहब। सीन देखो भाई साहब गाड़ी पिकअप तो बड़ा गंदा पकड़ रही है, अब निकल हम शॉर्टकट वाले रास्ते से ही रहे हैं भाई साहब, क्योंकि बीच रास्ते से निकल गए ऐसी तैसी। अरे हिरन मियाँ हट जाओ यार, तुम्हें बिना पूरी कॉमेडी आज ही करनी है क्या, आज ही मेरी गाड़ी के आगे कूदना है, क्योंकि ऐसी तैसी वैसी हो रखी है। और रही बात अब ना अब्दुल मियाँ का फोन भी नहीं मिल रहा, अब्दुल मियाँ का भी नंबर ही जो डाली बिजी बिजी आ रहा है। और देख सकते हो मैं पहले उस लोकेशन में जा रहा हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो लेट्स गो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है यार, अब तो क्या ही कर सकते, बाकी अब जो भी रिपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है उसकी तो मैडम जी, पर सीन तो यही है ना यार, अब केस तो हाँ मैंने माना कि गलती भी हमारे वाले बंदे की भी है,
पर ध्यान रखना थोड़ा आप भी यार इस सीन के बारे में, देख लो ना यार। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े, एक्सीडेंट का हुआ मैं आपको बता दूँ। देखो ये रहा गोकुल धाम, पहले बात में ये बता देता हूँ, जो हमारा जिग्गू है ठीक है उसका हुआ और इस ट्रक का हुआ है, और वो जो छोड़ के आ चुका था गाइस टप्पू को, टप्पू को छोड़ के बस निकल ही गया था हमारे पास मिलने के लिए। टप्पू अपना सही है, मेरे अब्दुल मियाँ से बात हुई, और एक्सीडेंट का हुआ मैं ये भी बता दूँ। देखो अब यहाँ से निकल रही थी हमारी वरना जो कि जिग्गू चला रहा था, जिसने दारू पी रखी थी ठीक है, मैं साफ सीधी साफ बात बता रहा हूँ। और यहाँ से आता ट्रक पूरी तरह भागे भागे हो गया भाई सीन। अब हमारी गलती बताऊँ क्या है कि हमारे भाई जिग्गू ने पी रखी थी दारू, यहाँ सब बिगड़ गया मामला पानी ठीक है। वहाँ से एक ट्रक आया भाई, उसके भी ब्रेक नहीं लगे, और यहाँ से वो क्या करता, अब सीन इस साइड था, इस साइड पुलिस वालों ने बोला कि भाई इस साइड पता चला है, इस साइड से गाड़ी मुड़ रही थी, गाड़ी गलत मुड़ी है, ये भी गलत सीन है क्योंकि भाई अरे वो देखो ये देखो ये सीन होता है यहाँ, ऐसे फरार होकर जाते हैं बंदे, तो ऐसे ही ट्रक आ रहा था पूरी तेज तेज गाइस। बस फिर यहाँ से दिए ट्रक वाले ने हमारी वरना को पप्पी, और वरना अगर इस साइड भी जाती तो भी सही था, वरना गई का गाइस यहाँ से टक्कर लगते, और ढलान तो है, गाड़ी गई नीचे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी के नीचे। अब लोग यहाँ से यूँ फरार होते आते ना इस वाले रोड से, क्योंकि देखो वहाँ से भी स्पीड तो बंदेगी बंदेगी, क्योंकि ढलान है, क्योंकि देखो जू करते हुए आते हैं, अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्या ही बोले इन्हें यार। ये देखो यूँ आते नीचे से पुर करते करते, और अभी आपको मैंने गाड़ी भी दिखा दी कि कैसे आते हैं ये बंदे। टप्पू सही है, टप्पू को तो जेठा अंकल साथ में गए हुए हैं। अब सीन मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया, ट्रक में पीछे करके दिखा देता हूँ ट्रक में क्या सीन हुआ पहले ठीक है। अब ट्रक के एक्सीडेंट के देखने के ये मत पहचान जाना कि भाई की हमारी गाड़ी में, देखो ये है ट्रक, इंडियन ट्रक भाई, इंडियन ही बंदे का था भाई साहब, वो भी क्या ही बोले, वो भी बोला भाई यार अब क्या यार एकदम से आ गया, मैंने पूरे खच खच ब्रेक मारे, वो मैंने भी मारे, पर सीन ये देखो इस ट्रक का ये हिस्सा बिगड़ा है बस, ये देख लिया आपने, ये लटक गया, इसका जो ये बम्पर सा होता है ये लटक गया, और अंदर से इस साइड से ये दब गया अंदर की साइड, और कुछ नहीं हुआ इसमें, ड्राइवर के लगी है ठीक है, खून बहने लग गया, तो उन्होंने एम्बुलेंस के साथ ही भेज दिया, मेरे को ये बोल रहा था भाई ये पुलिस वालों ने बताया सबकी सब। रही बात वरना का है, वरना जैसे ही गाइस यहाँ से टच हुई, ये जो वाली लाइन है ना देखो यहाँ से देखो कैसे भगा भगा ला रहे, ये तो शरीफ है, चलो यहाँ टच हुई वरना, और जो वरना है गाइस वो नीचे लहराती गई, इतना मेरे को पुलिस वालों ने बताया, क्योंकि यहाँ पे और बंदे भी थे, उन्होंने जो केस पुलिस वालों को फोन करा, और वरना जो है गाइस फिर नहीं रुकी, रोल करती हुई हमारी वरना पहुंच गई नीचे की साइड। और ये आप इलाका देखो ना भाई, इतने रोल खाई है गाड़ी ने, और गाड़ी के हालात तो मैं आपको दिखाई दूंगा कि क्या सीन हुआ है गाड़ी के साथ। अब पीछे की साइड आपको दिखी गया होगी गाइस गाड़ी किस साइड पड़ी हुई है। अब मैं क्यों नहीं गया जहाँ पे जिग्गू है, जिग्गू को कितनी चोट लगी है, क्या सीन है क्या नहीं, वो मैं आपको बता दूँ। देखो भाई अब पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, भाई साहब देखो गाड़ी आपके नाम पे, आपको रुकना पड़ेगा, उस ड्राइवर को इसलिए भेज दिया गया क्योंकि ड्राइवर के नाम पे भी गाड़ी नहीं है, ओनर वालों को भी पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे, पर अगर आप यहाँ हो तो आप अपना क्लेरिफिकेशन दे दो कि भाई साहब ऐसा ऐसा बंदा है, कौन कौन गाड़ी चला रहा था, मैंने दिया सब कुछ भाई, ये सीन है, तो मेरा वो हो गया क्योंकि कह रहे भाई साहब ये करना जरूरी होता, नहीं तो हमें बाद में दिक्कत होती है, मैंने इन्हें सीन समझा दिया भाई साहब देखो, उनको भी पता चल गया कि आगे से रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई साहब जो हमारा वाला ड्राइवर था बोले तो जिग्गू उसने पी रखी थी दारू, और ये वाला ड्राइवर नॉर्मल था, पर इसने तो दे मारी ना, अब केस सीधा हमारे ऊपर बनेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब मैं गाड़ी आपको दिखा दूँ तो देखो गाइस गाड़ी इस हालात में पड़ी हुई है, अभी सीन ये है जिग्गू के हालात में आपको बता दूँ, गाड़ी गुड़ी की बात हम करते रहेंगे, जिग्गू के हालात कुछ ऐसे हैं, चोट लगी है उसे पर ज़्यादा नहीं लगी है, गाड़ी ने बचा लिया भाई उसे, मैं ये बताऊँ तो, वरना सही गाड़ी है, इतने ऊपर से पलटी खाते खाते भी गाड़ी में क्या डैमेज आया वो तो आपने देख ही लिए। हाँ अब असली जब गाड़ी खड़ी करेंगे क्या टूटा क्या फूटा क्या सीन है क्या नहीं वो तो जब भी पता चलेगा, टोइंग वाले से मेरी बात हो रही है, टोइंग वाला कह रहा मैं बस अभी आता हूँ। अब गाड़ी और ये जो ट्रक है ये दोनों जाएंगे पुलिस वालों के पास, क्योंकि अब तो भाई चलेगा ये मामला, अगर जिग्गू ने नहीं करा होता ना काम को, जैसे दारू पी के चला रहा था गाड़ी तो फिर हम कुछ ना कुछ कर सकते थे, ट्रक वाले के ऊपर पूरी गलती कर सकते थे, क्योंकि गलती भी बेसिकली उसी की है भाई साहब, वो वहाँ से ओवर स्पीडिंग आई है, और जो ये लोकल है इन्होंने तो ये बोला कि वरना तो वैसे तो ठीक ठाक ही थी, पर हमारे वरना वाले ने भी गलत कट मारा था, कट हमें थोड़ा सा घुमा के लेनी चाहिए, देखो पुलिस वाले पूरी टीम अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है कि कैसे क्या क्या सीन है, मैंने इन्हें बता दिया हाँ भाई, उन्होंने कहा भाई देखो आपके ड्राइवर की गलती है तो अब देख लो तुम्हें क्या करने का है, अब अपने आपस में संभाल लोगे क्या सीन करोगे क्या नहीं, अब देखते देखो गाड़ी ऐसे लहराती हुई जाती है, ऊपर से गाड़ी आती है तो
मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे आपस में देख लेंगे भाई, क्योंकि देखो जिग्गू को ऊपर बात आ जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ। कोई नहीं, गाड़ी को नुकसान हो गया हो गया, तो जो भी ये केस कुछ का हो रहा है, मैंने कहा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस वाले यहाँ से चले जाएंगे गाइस, पुलिस वालों के ऊपर कोई भी सीन नहीं है। पर फिलहाल जब तक जो ड्राइवर वहाँ हॉस्पिटल से नहीं आता, तो दोनों गाड़ी वहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि ड्राइवर की तरफ से अभी कुछ नहीं बोला गया है, तो इसलिए दोनों गाड़ी जाएगी। मेरी तरफ से यह है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप सेटलमेंट कर लेंगे, और ड्राइवर भी मेरे ख्याल से सेटलमेंट कर ही लेगा, क्योंकि सीन ये उसके मेन बात गलती उसी की थी। हमारे तो बस दारू पी थी, हमारा फाइन चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते क्या सीन होगा क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। भाई एक बार टो आ जाए, टो वाला आ जाए, और ये पुलिस वाले तो ट्रक लेके ही जा रहे हैं। तो टो ट्रक जो है गाइस, वो पुलिस वालों वाला ही आया। मेरे वाले ने तो कह दिया भाई साहब टाइम लगे। पुलिस वालों ने कहा कोई नहीं भाई, तू अपनी निकाल ला। पुलिस वाले बंदे ने कह दिया भाई मैं तो अपनी वाली निकालूंगा बस। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम निकाल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकालने जा रहा हूँ गाइस मैं अपनी वाली गाड़ी। भाई साहब दुख तो इतना हो रहा है ना मेरे, अरे ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है, अरे टो ट्रक है क्या है भाई, ये टो ट्रक भी लहराता हुआ जा रहा है। तो यार क्या ही बोलूँ, ये जिग्गू मानता ना मेरी बात, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर इतना तो हो गया कि भाई जिग्गू वैसे तो नॉर्मल है गाइस, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ओली और सैम को मैंने दूसरी गाड़ी के साथ उन्हें भिजवा दिया था कि भाई तुम देख के आओ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे इन्होंने रोक लिया है पुलिस वालों ने। सीधा हम यहीं से आए थे और यहीं पे एक्सीडेंट बोलता, क्योंकि हमें टप्पू का भी हो रहा था भाई, टप्पू भी साथ में, क्या सीन है क्या नहीं। ये अरे भाई ये अटैच क्यों नहीं हो रही गाड़ी, ये भी तो सीन है, यही तो सीन। अरे एक तो देखो टो ट्रक भी ना चटर चटर कर रहा, कत्ते ही चटर चटर, इसको अटैच कैसे करें सिस्टम। अरे सीधी भी तो करनी है गाड़ी, ये देखो अटैच ही नहीं हो रहा। तो गाइस गाड़ी मैंने खड़ी खरीदी है, बड़ी दिक्कत हुई भाई साहब। अब जैसे ही मैंने गेट खोले जिस साइड से गाड़ी ठुकी थी, वहाँ का सीन पता चला, तो ये सीन है भाई, वहाँ के डोर ही नहीं चप, मतलब डोर जैसे ही मैंने खोले ना, ये देखो नीचे गिर गए, यूँ गिरे पट करके। और गाड़ी तो आपने देख ली कि ऐसी हमारी गाड़ी है। देखो अब टूटा क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखो इस साइड से ये हिट हुई है गाड़ी, अब पता नहीं क्या हुआ भाई। देखो बदमाश कैच भी गया हमारा, तो ये देखो ये इधर से खत्म, गाड़ी इधर से खत्म है, पूरी गाड़ी खत्म है। ये वरना लिखा वो भी आंगा बांगा हो गया, हमारा पीछे का शीशा भी आधा आपको निकलता हुआ दिखा होगा, नीचे की साइड से टूट गई है गाड़ी, यहाँ से भी टूटी है हमारी गाड़ी। और इतना ही नहीं गाइस, ऊपर की साइड से दिखाऊं तो आपको फर्क दिख रहा होगा गाड़ी में। देखो साइडों की तरफ से आपको पूरी दरारें दिख रही होगी। अब ये देख रहे हो ये स्क्रैचेस, ये क्या से क्या हो गया भाई रे। वही कहते हैं ना गाइस, जब किस्मत ही होगा फिर तो फिर क्या करेगा बोन बेटे का दूध। अब ये भैंस की पीछे से खोलनी चाहिए, मुझे खुल रही है नहीं, ये भी तो देखें। अरे खुल तो रही है, अंदर की साइड से तो सभी ठीक है, पर मेन चीज़ दिख गई ना, एक बार देखे सनरूफ चलेगी या नहीं, सनरूफ का भी देख लेते हैं गाइस कि सनरूफ काम करेगी या नहीं इस गाड़ी की, ठीक है। ये रही भाई चलेगी या नहीं, क्योंकि मेन, अरे इसका सनरूफ का भी क्या, साइड में आपको दिख रहा होगा दरारें पड़ चुकी है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सनरूफ हम बटन दबाया है मैंने, सनरूफ अच्छी तरह वर्क कर रही है। और रही बात टायर की, वो टायर नीचे की साइड हो चुका, क्योंकि पर कर रहे हैं, देख रहे हो गाइस टायर कैसे अटक अटक के चल रहा है। तो ऐसे तो मैं नहीं करूँगा, इस गाड़ी के साथ खींच के ही सही रहेगा। और अभी तो ये पुलिस वालों पे ही जाएगी, अब क्या होगा क्या नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर यही है, अब जी तक किस्मत ही हो गई फोटो फिर की करेगा बोल बेटे का दूध। अब चलो यार, अच्छा भला दिन काट रहा था गाइस, मैं आपको भी पता ही है, मस्त ऊपर पहाड़ों पे हम चिल करने गए थे, पर ये जिग्गू ने ना सारा खेल बिगाड़ दिया भाई। ये शुक्र करो भाई टप्पू को तो छोड़ गया, नया अभी नया टप्पू आया, टप्पू के साथ ऐसी तैसी हो जाती ना गाइस, तो वो कलेश थोड़ा अलग ही हो जाता। ये देखो फाइनली हम टो करके लेके जा रहे हैं गाइस अपनी वरना को, एक्सीडेंटल वरना को हम टो करके लेके जा रहे हैं। अरे ससुराल सिमर के भाई, एक तो पहाड़ों वाले इलाके में जब ऐसी फंसती है ना गाड़ी, एक तो इसे टो करने में भी दिक्कत होती है। देखो ये देखो कैसे ही कर रहा हमारा ट्रक भी, इसको भी आराम से करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से रिवर्स ले लिया। अरे एक तो मुझे पता भी तो नहीं ना टो ट्रक चलते कैसे ढंग से, मैं तो सीधे सीधे में चला रखे कई बार, जितनी बार भी चलाए हैं ये, ऐसे में तो मैंने कभी चलाया नहीं ना, तो मुझे क्या पता भाई कैसे इसे पहाड़ों पे कंट्रोल करने हैं क्या नहीं। ओ, भाई 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 मैं कोई गलती लिया है, मैं पहली बार तो यहीं से ही गलत लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं निकला ट्रक लेके रास्ते पे, ये देखो भाई इतना दम लग रहा है इस टो ट्रक का, पहाड़ों वाले रास्ते के लायक तो है नहीं है। हाँ वो तो बात है कि हम थोड़े अलग बंदे, हम तो चढ़ा ही देंगे कैसे ना कैसे। चलो भाई चलो चल चल मेरे ट्रक, अरे तू चल सकता भाई चल, मेन बात ये ना अगर अकेले उसका होता तो बात भी है, टायर फ्री हो जा रहे हैं क्योंकि पीछे गाड़ी हो रहा है हमारे साथ। और फाइनली देखो अब हमारे ट्रक ने पकड़ी हिम्मत और खींच के लेके जा रहा है हमारी वरना को, अरे ऊपर की साइड लेके जाना भाई, यहाँ का लेके जा रहा है। ओ, 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 तो
इसी साइड से हम लेके जाएंगे गाइस, क्योंकि देखो उस साइड से लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी स्पीड बनी हुई है। ओह नो, दुख देख रहे हो मेरे जीवन का, दुख अपनी ही वरना को मैं देखो टो करके लेके जा रहा हूँ। अरे रे 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 भाई, यहाँ मत दिक्कत ले यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब एक बार ऊपर खींच ही लिया है गाइस हमने। ओहो, दुख देखो भाई। अरे भैंस की कहाँ घुसा दी मैंने। अरे रे, ठीक है, थैंक यू मैडम जी, उसकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम आपस में संभाल लेना तो सही रहेगा, क्योंकि पुलिस में मैटर चल गया तो केस में चलेगा, कि वहाँ केस हो जाएगा, केस में हो गया तो ये मैटर जल्दी क्लोज नहीं होगा। और रही बात मैडम गाड़ी, देखो दोनों गाड़ी को इंश्योरेंस तो है ही, हमारी वाली को तो देखो इंश्योरेंस है ही, अब इंश्योरेंस वालों को भी तो बोलना पड़ेगा कुछ। फाइल चार्ज करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं। सीन ये है, ये देखो ये सीन है, अब क्या ही करें। मैडम ने हमें यही बोला, देखो अगर तुम आपस में कॉर्पोरेट कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी सही यही रहेगा, पुलिस वालों में तो तुम भाई फिर पागल ही पागल हो जाओगे। अब ये देखो वरना हमारी इसके साथ हो गई है तो दूसरा ट्रक भी मंगवाया जा रहा है, वैसे हमारी वरना चल भी जाएगी पर नहीं दिक्कत है, और इस ट्रक का बस ये बिगड़ा, और इसने वरना धक्का दे के सीधा नीचे दे हमारी। भाई देख रहे हो ट्रक की पावर, तो ट्रक की पावर ही होती है ना, तो जो ट्रक वाला बंदा है वो भी नॉर्मल है और हमारा जिग्गू भी फिलहाल नॉर्मल है। अब इन्होंने पुलिस वालों ने कह दिया कि बस हमारी गाड़ी इसी साइड जा रही है एक बार राउंड के लिए, तो तुम भी इन्हीं के साथ ही निकल जा रहा, तो पुलिस वालों की गाड़ी के साथ ही मैं हॉस्पिटल की साइड जाऊंगा, क्योंकि जो गाड़ी मैंने मंगवाई थी उसमें ओली और सैम चले गए थे। पूरा दिमाग खराब हो ही गया गाइस, आपका भी और मेरा भी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब किस्मत ही होवे फुदो फिर की करेगा बोन बेटे दादू। तो अगली वीडियो में आपको मिलवाऊंगा मैं जिग्गू से, देखते क्या हालात है क्या नहीं, और हमारी वरना के भी क्या सीन हम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो होप करते आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ कमेंट करके बता देना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, चंगा फिर अगली वीडियो।